वेट वेट वेट। तो हाँ, ये पूरा थैला भर के आपको पता चल ही गया होगा कि एग्जैक्टली आज का व्लॉग किस टॉपिक पे होगा। ऑब्वियसली आप सब लोगों को पता चल चुका है टाइटल और थंबनेल से कि आज का व्लॉग किस टॉपिक पे है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द इंटरेस्टिंग व्लॉग। आई होप सो कि ये व्लॉग देखते वक्त आप लोग भी उतने ही ज्यादा एक्साइटेड हो, क्योंकि समर स्टार्ट हो चुका है और सारे के सारे गर्ल्स, मुझे पता है कि अभी समर के लिए सारे जो ट्रेंडिंग वेयर है वो ढूंढ रहे हैं कि कौन से ट्रेंडिंग वेयर्स है। तो ये हाँ यस, इसी चैनल पे आपको सारे के सारे ट्रेंडिंग वेयर्स मिलने वाले देखने के लिए। तो तब तक आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मुझे पता है कि सब गर्ल्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगी कि इस साल के ट्रेंडिंग वेयर्स कौन से है समर के स्पेशल्स। तो इस व्लॉग में आपको सारे के सारे समर स्पेशल ट्रेंडिंग वेयर्स मिलने वाले हैं देखने के लिए। तो ये व्लॉग बेसिकली बांद्रा हिल रोड स्पेशल है। मैंने ये पूरा का पूरा थैला भर के बांद्रा हिल रोड से शॉपिंग की हुई है। तो आपको एक एक करके सारे के सारे बैग्स दिखा दूंगी। आप लोग हमारे इस चैनल को सपोर्ट करोगे सब्सक्राइब करके। पहले आई ये, तो बांद्रा हिल रोड में आपको सारे के सारे ट्रेंडिंग वेयर्स मिल जाएंगे बहुत ही रिजनेबल प्राइस में और बहुत अच्छे फैब्रिक में मिलते हैं। तो मुझे तो स्पेशली जितने मैंने बहुत ढूंढा है ये सारे ड्रेसेस, मैंने ऑलमोस्ट मतलब पूरा दिन मुझे लग गया था और तब जाके मैंने एक भैया से ये सारे ड्रेसेस परचेस किए हैं। अगर आप लोगों ने इस ब्लॉग को बहुत ढेर सारा प्यार दिया तो ये ड्रेसेस मैंने किस भैया से लिए हैं मैं वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, अभी नहीं। तो सबसे पहले मेरा फेवरेट कलर ब्लैक। तो ये ड्रेस कुछ ऐसी है, इसके स्लीव्स ऐसे है और इसका नेक इस तरीके का है और यहाँ पे पूरा इलास्टिक है। कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा था, पूरा प्योर कॉटन में है। समर्स वेयर्स के लिए ब्लैक मैं तो वेयर करना पसंद करती हूँ। पता नहीं जिन्हें ब्लैक कलर बहुत पसंद है ना, उनके लिए कुछ मतलब पर्टिकुलर डेज नहीं फिक्स होते कि समर में आप ब्लैक कलर नहीं पहन सकते। तो मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा था, प्योर कॉटन में है, ज़्यादा इसमें गर्मी भी नहीं लगेगी और बहुत ही अच्छा है। तो चलो हम फटाफट से इसे वेयर करके आते हैं और बताते हैं कि एग्जैक्टली ये ड्रेस दिखता कैसा है। तो ये मैं इसे पहन के आ चुकी हूँ और ये ड्रेस आगे से भी कुछ इस तरीके से है, डीप नेक है और पीछे से भी ऐसा है। तो ये मुझे स्पेशली बहुत ही अच्छा लगा, इसके स्लीव्स भी बहुत ही अच्छे और मुझे पूरा ड्रेस बहुत ही कंफर्टेबल आ रहा है और मुझे बहुत पसंद आया। आई होप कि आप लोगों को भी ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा होगा। ये इस तरीके से है पूरा ड्रेस, ज्यादा लॉन्ग भी नहीं है और ज्यादा शॉर्ट भी नहीं है। तो इसी ड्रेस के साथ हम दूसरा ड्रेस अभी निकालेंगे, देखते हैं कि कौन सा है। ये सारे के सारे ड्रेस ऑलमोस्ट 500 के अंडर ही है, 500 के ऊपर एक भी ड्रेस नहीं है। मैंने लिया ही नहीं है 500 के ऊपर वाले ड्रेसेस। मैंने कुछ बजट मेरा खुद का बनाया हुआ था कि मुझे 500 के अंडर ही लेने हैं सारे कपड़े। तो नेक्स्ट है नेवी ब्लू कलर का, तो ये है नेवी ब्लू कलर का इस तरीके से और पीछे से इस तरीके से है और ये पूरा लॉन्ग है, पूरा लॉन्ग वेयर है। नीचे तक इसको ऐसे डिजाइन किया हुआ है और इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, सीरियसली फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा अच्छा कॉटन है। इसे पहन के आती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये ड्रेस तो मुझे स्पेशली बहुत ही ज्यादा पसंद आया क्योंकि ये इसका फैब्रिक ना, वाव यार, मतलब इतना कंफर्टेबल कैसे हो सकता है, कैसे बताओ, तो बताओ इतने कम बजट में कैसे हो सकता है। नेक का मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी डिजाइन है अच्छे से, तो पीछे से कुछ ऐसा है। तो ये है इसका आगे से कुछ ऐसा लुक और पीछे है कुछ इस तरीके से
और ये इस तरीके की डिजाइंस लास्ट के एंड में भी है दिए। वो पूरा लॉन्ग ड्रेस है, पूरा लॉन्ग में, और पीछे से कुछ इस तरीके से दिखता है, आप देख सकते हैं पीछे से कुछ ऐसा पैटर्न है इसका। नेक्स्ट वाला दिखा दे। अभी ये थर्ड ड्रेस है। शायद मैं इसी ब्लॉग में आपको सारे मेरे ड्रेसेस दिखा दूं, पर बहुत सारे हैं तो मुझे लगता है कि मुझे पार्ट वन और पार्ट टू में इसे डिवाइड करना चाहिए, वरना बहुत जल्दी जल्दी में हो जाएगा। इस तरीके से है और पीछे से इसे ऐसे नॉट्स है जो कि इस तरीके से होगा, और ये भी ऑलमोस्ट लॉन्ग ही है, और इसका कपड़ा आप देख लीजिए कितना ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही अच्छा कपड़ा है इसका। मैंने सारे ड्रेसेस ऐसे लिए हैं कि मुझे समर में मतलब ऐसे चिड़चिड़ापन ना हो कपड़ों से रिलेटेड, आराम से मैं घूम पाऊँ, क्योंकि मैं गोवा प्लान कर रही हूँ ना। अच्छा, मैंने आपको बता दिया कि मैंने ये शॉपिंग इसलिए की है, तो ये सारे ड्रेसेस मैं गोवा में इंजॉय करने वाली हूँ, तो ये पहन के आते हैं और आपको दिखाते हैं। सो गुड यार, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और मेरे इयररिंग्स पे भी मतलब जा रहा है ये ड्रेस पूरा। तो अभी हम आपको इसे पूरा दिखा देते हैं कि पूरा ये ड्रेस कैसा दिख रहा है। ठीक, इसका पीछे वाला लुक इस तरीके से, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल। तो ये है कुछ इस तरीके से, ये वाला ड्रेस कुछ इस तरीके से है, ये वाला फोर्थ है जिसे मैं आपको एक पिक्चर में दिखा दूंगी या फिर साइड में एक छोटा सा वीडियो लगा दूंगी। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही का डिजाइन भी बहुत अच्छा लगा था, और इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। ये ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल आया था, बहुत ज़्यादा। ये आगे से ऐसी डिज़ाइन भी है जो पूरे नेक में बनाई हुई है, और पीछे से कुछ ये ऐसा है, और ये पीछे से कुछ ऐसा है। तो ये मैं ये ड्रेस इसलिए वेयर करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि इसे मैंने मुंबई में पहन लिया था जब हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया गए थे और मरीन ड्राइव गए थे, तब मैंने इसे पहन लिया था। तो मैं वो वाला थोड़ा सा क्लिप इसके अंदर डाल दूंगी, आप लोग देख लेना कि ये पहन के कैसा लगा। इसी के साथ हमारा फिफ्थ वाला, मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है यार, मतलब आप लोग अगर यहाँ पे इस चैनल पे आ रहे हो ना तो आपको सारे कलर्स के कपड़े मिल जाएंगे देखने के लिए, पर ज्यादा से ज्यादा आपको ब्लैक कलर के मिलने वाले है, और मुझे पता है बहुत लोगों को ब्लैक कलर ही पसंद है। बर्थडे पार्टी के लिए भी वेयर कर सकते हो, इसे भी आप वेयर कर सकते हो बर्थडे पार्टी के लिए। ऐसे सिंपल कपड़े पसंद है पर बहुत ही हॉट और सेक्सी आपका लुक दिखना चाहिए, तो ऐसे कपड़े भी आप वेयर कर सकते हैं। तो ये है हमारा फिफ्थ ड्रेस जो कि ऐसा है, ये भी इलास्टिक का ही है आगे से, और इस ड्रेस का पता है क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। इस ड्रेस को भी आपको यहाँ से जिप मिल जाएगी जो कि बहुत ही अच्छा जिप है, ऐसा बटन भी दिया गया है सेफ्टी के हिसाब से। ये आपको मैं जब पहनूंगी तभी समझ में आएगा, और ये पूरा लॉन्ग है। तो ये है कुछ इस तरीके से ये वाला हमारा फिफ्थ ड्रेस जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, बहुत ही ज्यादा, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली है, बहुत ही ब्यूटीफुल, और मुझे बहुत ही सारे की सारे ड्रेस बहुत परफेक्टली आ गए तरीके से। तो ये है इस तरीके से ये वाला ड्रेस जो कि फुल लॉन्ग है, पीछे से इस तरीके से है, ये पीछे से। ये तो बहुत सारे ड्रेसेस आपको दिखाने बाकी है, पर उसके लिए आपको पार्ट टू में आना पड़ेगा। ये पार्ट हम फर्स्ट बना देते हैं क्योंकि बहुत सारे है, तो अगर मैं सारे के सारे मतलब ड्रेसेस आपको इसी पार्ट में दिखा दूँ तो फिर
वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, तो मैं चाहती हूँ कि ये शॉर्ट टर्म में ही ये वीडियो बने, इसलिए मैं वो वाला पार्ट टू में डाल दूंगी कि जो बाकी के ड्रेसेस हैं हमारे वो पार्ट टू में आने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको बांद्रा हिल रोड वाले ये सारे 5 ड्रेसेस कैसे लगे जो आपके पास होने ही चाहिए समर स्पेशल में, तो आप लोगों को मैं बिल्कुल स्किप करने देना नहीं चाहती हूँ। आप सारे के सारे ट्रेंडिंग वेयर्स देखो, ये मैं चाहती हूँ और आप भी वो बाय करो। तो ये थे हमारे टॉप 5 समर स्पेशल ड्रेसेस का हॉल, जो कि बहुत ही अच्छा अमेजिंग था। हाँ था, मुझे पता है। सारे के सारे ट्रेंडिंग वेयर्स आपको बहुत अच्छे लगे ना, तो कमेंट करके जरूर बताना। बाय, टेक केयर। मुझे पार्ट 2 भी बनाना है, तो मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ अभी, ठीक है? तो पार्ट 2 के लिए आप रेडी रहिए। ओके, बाय।